वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पुण्य तिथि के शुभ अवसर में आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर में आज मैं आप सभी को लेके चल रही हूँ भारत के सबसे प्रसिद्ध मॉनेस्ट्री में, जिसका नाम है धीरांग मॉनेस्ट्री। और ये धीरांग मॉनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये धीरांग मॉनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न कमिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अवस्थान कर रहे हैं और ये धीरांग मॉनेस्ट्री ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंतर्गत पड़ता है। धीरांग मॉनेस्ट्री फेमस फॉर ईयर राउंड प्लेजेंट वेदर के लिए। इसका सुंदर नेचुरल ब्यूटी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बीच में ये मॉनेस्ट्री, इसी कारण देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आके हर साल अवस्थान करते हैं। सभी को तो दिखाई दे रहा है कि पीछे बहुत सुंदर पहाड़ और हरियाली से भरा हुआ जंगल, और उसी के सामने खड़ा है ये विशाल बड़ा मॉनेस्ट्री। धीरांग मॉनेस्ट्री अपनी सुंदरता को लेके विराज कर रहे हैं। चारों तरफ मैं घुमा के दिखा रही हूँ चारों तरफ की पहाड़ की दृश्य, और मॉनेस्ट्री के अंदर जाने से पहले सामने एक बहुत बड़ा घंटी टांगा है, बुद्धिस्ट घंटी। अब सभी को अपने कैमरे से 360 डिग्री घुमा के चारों तरफ की दृश्य को दिखा रही हूँ, और देखिए दोस्तों, और सोचिए कि ऐसे स्थान पे ऐसे वातावरण में रहने का मौका अगर सभी को मिले तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगा, सभी के अंदर पॉजिटिविटी हर समय भरा रहेगा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और हरियाली जंगल के बीच में इतने सुंदर वातावरण में इस मॉनेस्ट्री के अंदर तिब्बतियन कल्चर एंड तिब्बतियन बुद्धिस्ट लाइन की जो शिक्षा है वही यहाँ पे बैठ के दिया जाता है। दोस्तों, इस मॉनेस्ट्री की नामकरण है थुपसंग धारगे ली। इस मॉनेस्ट्री के नामकरण किया है हिज होलीनेस दलाई लामा ने। दोस्तों, थुपसा धारगे लिंग का अर्थ है फ्लरिशिंग ऑफ द बुद्धिस्ट स्पीचेस। हिज होलीनेस दलाई लामा 2017 की 5 अप्रैल में नई तरीके से इस मॉनेस्ट्री का निर्माण किए थे। हर साल दलाई लामा यहाँ आते हैं और उस समय बहुत बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया जाता है इस मॉनेस्ट्री में। तो चलिए दोस्तों, मॉनेस्ट्री की चारों तरफ मैं आप सभी को घुमा के दिखाती हूँ। मॉनेस्ट्री की चारों तरफ की दीवारों के गात्र में हिज होलीनेस दलाई लामा की वाणी लिखा हुआ है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की जीवन की हर एक कहानी बहुत ही सुंदर शिल्पकला के द्वारा दिखाया गया है, स्कल्पचर के माध्यम से। दोस्तों, आप लोग अगर धीरांग मॉनेस्ट्री में आना चाहते हैं तो मॉनेस्ट्री के नीचे जो गेस्ट हाउस है वहां पे रह सकते हैं, और सुबह उठ के अगर मॉनेस्ट्री का दर्शन कर सकते हैं तो और भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ उस समय बहुत ही कम होता है। और चारों तरफ की जो सुंदर दृश्य है मॉनेस्ट्री के बाहर और अंदर की, शांति से आप सब घूम के देख सकते हो। अब मैं दोस्तों आप सभी को मॉनेस्ट्री के चारों तरफ घुमा के दिखा रही हूँ मॉनेस्ट्री के सामने का भी दृश्य और मॉनेस्ट्री के पीछे का भी दृश्य।
अगर आप सब अरुणाचल प्रदेश या धीरंग मॉनेस्ट्री में आना चाहते हैं तो उससे पहले अरुणाचल गवर्नमेंट के पास से इनर लाइट परमिट लेना पड़ेगा। इनर लाइट परमिट के बिना आप सब कभी भी अरुणाचल टूरिस्ट स्पॉट्स विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का रीजनल कल्चर है ये। और एक बात दोस्तों, धीरंग मॉनेस्ट्री के अंदर एक सुंदर गार्डन भी है। यहाँ के मॉन्क लोग सभी इस गार्डन का देखभाल करते हैं। मॉनेस्ट्री के ऊपर से खड़े होके दोस्तों पूरा धीरंग शहर देख सकते हो आप सब बर्ड आई व्यू के माध्यम से। जो लोग शांति के खोज में एकांत स्थान ढूंढते हैं, प्राणायाम योगा करना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह बहुत ही उत्तम स्थान है। भगवान बुद्ध ने ध्यान के द्वारा अपने को जगाने की बात की थी, आत्मदीप भव। ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करो, अपने जीवन में विकास ध्यान के माध्यम से ही होगा। मॉनेस्ट्री की चारों तरफ की दृश्य दिखाते हुए अब मॉनेस्ट्री के अंदर आप सभी को लेके आई हूँ, उसकी जो सुंदरता है वही दिखा रही हूँ। हर सुबह दोस्तों यहाँ पे लोकल लोग आते हैं प्रेयर करने के लिए। नीचे प्रेयर रूम में बैठ के भगवान बुद्ध की कई मंत्र चैंटिंग करते हैं, संगीत गाते हैं, और उस समय परिवेश बहुत ही सुंदर और गंभीर हो जाता है। मॉनेस्ट्री के दो साइड पे भक्तगण और बुद्धिस्ट मॉन्क बैठ के दोस्तों ध्यान, मंत्र चैंटिंग, संगीत परिवेशन करते हैं। मॉनेस्ट्री के चारों तरफ देखिए, दीवार के गात्र में ऊपर में भी शिल्प स्थापत्य कला की सुंदर निदर्शन दिखाई दे रहा है। मॉनेस्ट्री के भीतर मेन स्थान पे भगवान बुद्ध की मूर्ति विराजमान है, और सामने ही हिज होलीनेस दलाई लामा की मूर्ति भी विराजमान है। इसके अलावा बज्रजान बुद्धिज्म की जो देव देवी है वो भी विराजित है। मैं आप सभी को वही घुमा के दिखा रही हूँ, देखिए धीरंग मॉनेस्ट्री के भीतर की सुंदर सदृश्य। आखिर में दोस्तों आप सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे भगवान बुद्ध ने अपने प्रेम की वाणी के द्वारा पूरे विश्व को जागृत किया था, हम सब भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चले। हम सब भी अपने अंदर और दूसरों के अंदर वही प्रेम भावना जागृत करें, ताकि हमारा देश, हमारा समाज और भी बहुत सुंदर होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बहुत बहुत ज्यादा कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियोस में। जाते जाते आप सब भी मेरे साथ बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय।